पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को यहां 3 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने नकल को लेकर काफी शोर मचाना शुरू किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर डंडा संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शुक्रवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 3 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। हालांकि परीक्षा केंद्रों में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा कक्षों में पुलिस का पहरा नहीं है, 1-2 वर्षों में सख्ती की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि आजकल फैशन बन गया है कि चर्चा में आना, तो किसी भी बड़े नेता का नाम ले लो, चर्चा में आने के लिए विपक्ष ने बेवजह पीएम के नाम का इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताऊं, हमारे रिटायर्ड टीचर हैं, इनको डिप्टी लगाया, इनका अनुभव आज का अनुभव आपको दिखाई पड़ा होगा। ये आज से 4-5 साल पहले डंडा लेके घूमते थे और 100-100 लोगों को एक एक सेंटर पे इंस्टिकेट करने के बाद भी तनाव में रहते थे कि कब कौन कहां पर अटैक कर दे माफिया के, नकल के ठेके उठ जाते थे। अब ये आज वही है, आज रिटायर होने के बाद ड्यूटी करने आए, बोल रहे हैं एक ही कमरे में बैठ के पूरा देख लेते हैं और बच्चा एक पर्ची तक नहीं ला रहा है, खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति और खुद से परीक्षा देने का उसका शौक या उसकी लगन एक नए भविष्य को दिखाती है। मैं जो कहना चाह रहा था वो यही कि हमारी प्राथमिकता डंडे के बल पर पढ़ाई नहीं है, स्वतः से मन में जागृत हो बच्चों में, इसलिए पहला काम किया कि पाठ्यक्रम में प्रवर्तन किया, दूसरा काम किया कि जो नकल के टेंडर उठते थे परीक्षा केंद्रों का उसमें एक टेक्निक का प्रयोग करके ऑनलाइन और जीपीएस सिस्टम इन सब चीज का प्रयोग करते हुए एक पारदर्शी व्यवस्था को जिलाधिकारी के अंतर्गत सुनिश्चित किया। और उसके बाद अब जो विद्यार्थी था उसका एडमिशन को आधार से लिंक किया, आधार से लिंक करने के बाद में जो मुन्ना भाई टाइप के बैठते थे एक के जगह दूसरा बैठ जाता था, अब आसानी के साथ चिन्हित हो जाता है, जहाँ वो प्रवेश किया तहाँ पता चलता है इसकी फ़ोटो है कि किसी दूसरे की फ़ोटो है। और सबसे बड़ा किया कि प्राइवेट स्कूलों के जो फॉर्म भरे जाते थे उसको अब राजकीय विद्यालय में भरा जाता है, पर्चे आते हैं तो सीसीटी कैमरे में, पर्चे खुलते हैं तो सीसीटी कैमरे में, कॉपी जमा होती है तो सीसीटी कैमरे, बच्चे अपना परीक्षा देंगे तो अपना उसमें हस्ताक्षर और रोल नंबर लिखेंगे, यानी कॉपी भी नहीं बदल सकते, उसमें डिकोडिंग है। तो एक टेक्निक का प्रयोग करके परीक्षा का जो व्यापक सुधार हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ये बोर्ड है हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, जिसमें 60 लाख से के आसपास बच्चे बैठते हैं, और इसमें इतना व्यापक सुधार ये नए भविष्य का आगाज करता है। हमने जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भी रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा है और आगे भी हम इसमें व्यापक परिवर्तन उच्च शिक्षा तक कर रहे हैं।